हरे कृष्णा राधे राधे। पूजा देसी किचन वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं भंडारे वाली आलू की सब्जी और आलू के पराठे की, दोनों वीडियो एक साथ ही शूट करूंगी मैं। अब हम बनाएंगे भंडारे वाली आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी तेल। तो मैं भंडारे वाली सब्जी बनाऊंगी बगैर लहसुन प्याज के, वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। तो आप भी मेरे तरीका से सब्जी एक बार जरूर ट्राई करना। ये रहा कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इतना मैं अपने मसाले तैयार करती हूँ। ये लिए हैं मैंने आलू उबले हुए, छील कर रख लिए हैं। और ये ली है मटर, ये रही। और ये मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक ली है भंडारे वाली सब्जी के लिए। इसमें मैं प्याज का और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूंगी भंडारे वाली सब्जी के लिए। तो मैं इसमें आधा चम्मच डालूंगी जीरा, ये रहा, और दो तेज पत्ता, और ये चार हरी मिर्च, ये रही, इन्हें मैं डाल दूंगी। और ये अदरक, ये अदरक और ये हरी मिर्च मैं इसमें मसाले में टमाटर में कट करके डालूंगी। डालूंगी मसाले, तो मैं और कुछ मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी इसमें। ये मेरे घर की कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, और हींग, ये डालूंगी मैं हींग। और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, ये रहा। अब मैं मसाले कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये भंडारे वाली सब्जी के लिए मसाला मेरा तैयार हो चुका है। देखो इसने एकदम अलग हो गया है इससे तेल, और कितना अच्छा मसाला मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी आलू, आलूओं को मैं अच्छे से भूनूंगी। जब आलूओं को मसाले में भूनते हैं अच्छे से, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है भंडारे की। ये रही, कुछ दिन के लिए इस आलूओं को हम भून लेंगे अच्छे से। ये रही, इस तरीका से हम आलूओं को अच्छे से भूनेंगे। ये अब मैं इसमें करती हूँ पानी ऐड। पानी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हमें थोड़ी पतली सब्जी रखनी है तो पानी हम एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीडियम रखनी है। तो ये रहा, मैं बस इसमें इतना ही पानी डालूंगी। और मटर मेरी अभी उबल रही है, मटर में एक सीटी आ जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि इन दिनों की मटर सब्जी के साथ नहीं गल पाती है, वो कच्ची कच्ची रह जाती है, कचर कचर बोलती है। ये देखो भंडारे वाली सब्जी मेरी बनकर तैयार होती है। और मैं दिखाती हूँ कि मैं आलू मटर की भंडारे वाली सब्जी किस ट्रिक के साथ बना रही हूँ। मटर उबल जाएगी तो मैं दिखाऊंगी कि मटर हमें जब डालने हैं। मेरी भंडारे वाली आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और देखो मैंने इसमें मटर भी डाल दी है। मटर में मैंने एक सीटी लगाई थी, जिससे कि मटर मेरी कचर कचर ना बोले, इसलिए। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। जब हम इसमें तेजपात डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं, तो हमारी सब्जी में बिल्कुल भंडारे जैसा ही टेस्ट आता है। कुछ हरी मिर्च तो हमें तेल में डालनी चाहिए, और कुछ हरी मिर्च हमें टमाटर में काट कर डालनी चाहिए, और थोड़ी अदरक हमें तेल में भूननी चाहिए, और थोड़ी सी अदरक हमें टमाटरों में कच्ची डालनी चाहिए, और थोड़ा सा गर्म मसाला, उससे बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी का टेस्ट आता है। तो आप भी एक बार इस ट्रिक के साथ भंडारे वाली सब्जी को ट्राई करके देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें।